Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. Aaj ka ye hamara video hai regarding love tarot reading for all the zodiac sign for the month of October. Iske alawa main bahut hi tehe dil se sabko happy navratri wish karna chahti hu because 29 September se navratri shuru hone wali hai. So wishing you all a very happy navratri. इसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जो भी रीडिंग्स साइंस के ऊपर बेस्ड होती हैं, क्या वो सन साइन के ऊपर बेस्ड हैं, मून साइन के ऊपर बेस्ड हैं, कि हम इसे कैसे अपने आप से रिलेट कर सकते हैं. नंबर वन थिंग मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी टैरो रीडिंग्स मैं अपने चैनल पे पोस्ट करती हूँ, ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन दी जोडियक साइन, जिसे हम कहते हैं ना कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए अगर आप 5th of November को बॉर्न हैं, तो आप बस गूगल कर सकते हैं 5th of November जोडियक साइन, तो आपको आ जाएगा स्कॉर्पियो. ये हो गया एक बेसिक डेट ऑफ बर्थ से अपना साइन निकालना. तो जो मेरी रीडिंग्स होती हैं मोस्टली वेस्टर्न जोडियक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती हैं. इसके अलावा लेकिन आप अगर मून साइन से कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए आपका कुंडली में मून साइन लिब्रा है एंड आप मेरे चैनल पे लिब्रा का भी अपने लिए देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आप लग्न से भी देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एनीथिंग. बिकॉज जो मेरा मानना है वो ये है कि आप जिस भी साइन से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो तरीके से आप वीडियोस देख सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं. यू आपको अपने आप ही वो गट फीलिंग आ जाएगी कि ये वीडियो मेरे लिए बना है, इसमें जो सिचुएशंस है मैं रिलेट हो पा रहा हूँ. सो इट्स वेरी वेरी इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं, इंसान भी अपने आप उसे समझ जाते हैं, हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कार्ड्स ऑटोमेटिकली आपसे कम्युनिकेट कर लेते हैं. सो दिस आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन दिस टाइम. सो आई होप आप इसे समझ पाए हैं, अप्लाई कर पाएंगे. एंड सो विशिंग यू ऑल द गुड लक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. एंड उसके अलावा चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन विल मूव फॉरवर्ड. हेलो सैजिटेरियस, सो वेलकम टू दिस लव रीडिंग. आपके लिए ऑलरेडी मैंने कार्ड्स शफल करके रीडिंग करके रखे हुए हैं. सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि कैसे सैजिटेरियस फील कर रहे हैं दी मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स. सबसे पहली चीज़ जो सैजिटेरियस के लिए कार्ड आया, दैट इज़ दी सेवन ऑफ पेंटिकल्स. कहीं ना कहीं सैजिटेरियस आप खुद ही इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से सोचते हुए लग रहे, जो भी आपकी लव लाइफ में जो एनर्जीज है ना, जैसे हम कहते हैं ना, हमने पेड़ को, हम या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना समय देते हैं, हमें, अब मान लीजिए एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग है, एक पेड़ ले लीजिए, हम किसी को डेवलप करते हैं, हम उस पर काम करते हैं, गोल सेट करते हैं, एनर्जीज देते हैं, और फिर जब वो डेवलप हो जाता है उसके बाद में फिर हमें पता चले कि इसमें तो अब हमारा मन नहीं लग रहा, या ये चीज़ हमारी काम नहीं कर पा रही, या क्या इसे छोड़कर अब मैं किसी और लाइफ पाथ पे जाऊँ. सो ऑल दीज एनर्जीज आर सीन. इस कार्ड का जो असली मीनिंग है वो ये है कि आप देख सकते हो ये इंसान ने ना अपना ये पेड़ बड़ा किया है और ये बहुत बड़ा हो चुका है. दिस शोज दैट कि हम किसी रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट देते हैं ना, 10 सालों का रिलेशनशिप हो, 2 सालों का रिलेशनशिप हो, हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, तो अब हम एक उस पड़ाव पर खड़े अपनी ज़िंदगी की, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में और एनर्जी देनी चाहिए, या क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर पाएगा, या अब मुझे ज़िंदगी के इस मुकाम पे आके एक नया रिलेशनशिप शुरू करना होगा, या एक न्यू एनर्जी बिगिन करनी होगी. कुछ इस तरीके की आपकी थिंकिंग प्रोसेस एंड एनर्जीज दिखती हैं सैजिटेरियस. इसके रीजंस बहुत हो सकते हैं, इसके कारण बहुत हो सकते हैं, बट आप एक ऐसी चॉइस पे, डिसीजन मेकिंग चॉइस पे हो कि क्या इस पे ही एफर्ट दें, क्या इसी पर्सन के लिए इंतज़ार करते रहें, या हम एक न्यू पर्सन के लिए लाइफ में मूव ऑन हो जाए. सो दिस इज़ आई फील द डिसीजन ऑफ वेटिंग और मूव ऑन. मुझे जो और कार्ड्स जो आगे की इमेजेस है, मुझे सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी एनर्जीज लग रही हैं इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जो आपका करंट रिलेशनशिप है इसमें शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, वेट करें या कोई और स्टेप आप ले लें ज़िंदगी में. इस तरीके के कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग दिखते हैं. इसके अलावा सेकंड चीज़ मैं कहूँगी, ऑफकोर्स सैजिटेरियस इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, आप कहीं ना कहीं अपने करियर ट्रांजिशन, करियर थिंकिंग प्रोसेस उसमें भी चलते हुए दिख रहे हैं. आप अपने करियर में भी डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं, आप उसमें भी कन्फ्यूज्ड एंड सोच रहे हैं कि किस पाथ पर जाएं. ऑल ओवर सैजिटेरियस कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मुझे थोड़ी सी चेंजिंग की तरफ दिख रही है. समथिंग इज शिफ्टिंग इन योर लाइफ. अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी, आप खुद भी बहुत चीज़ें डिसाइड करोगे, चेंज करोगे. एंड ये ना कहते ना कि ये चेंजेस कुदरत करती है, आप भी नहीं करते हो, डेस्टिनी, पता ही नहीं चलता अपने आप क्या होता जा रहा है. लोग कहते हैं ना कि पता नहीं मैम ऐसा सोचा नहीं था पर ऐसा क्यों हो गया, क्या वजह थी इसकी, तो ये ऑटोमेटिकली कुदरत ये सारे चेंजेस करती जाएगी और आपको पता चलेगा. बट इन अ वे
आपकी भी एनर्जीज उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने की, सोचने की, विचारधारा, ये कुछ इसी तरीके से चलती जाएगी कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करूँ या मेरी लाइफ में और क्या है, क्या यही मेरे फ्यूचर पार्टनर हैं, क्या इन्हीं के साथ मेरी किस्मत लिखी है। ये तौर पे एनर्जीज की थोड़े से आप डाउटफुल होते हुए थिंकिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बात करें आपके पार्टनर की, सैजिटेरियस, यहाँ पे आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं द कार्ड आया है चेंज करे से, हम कहते हैं ना आपके पार्टनर कहीं फंसे हुए हैं। देर इज़ लॉट ऑफ डार्क एंड ब्लैक क्लाउड सीन, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़, दो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, ये सबके साथ रिलेट हो ज़रूरी नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। मे बी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में इतने स्टक हैं, मे बी आपको कोई मैरिज या आगे फ्यूचर रिलेशनशिप के प्रोग्रेस की तरफ आपको एक कोई सही दिशा नहीं दे पा रहे, वो अपनी तरफ से पूरी एनर्जी नहीं दे पा रहे, जितनी आप शायद कोशिश भी करो सैजिटेरियस यहाँ से कि मैं करूँ ना करूँ, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर होते हुए दिख रहे हैं। ये हम कह सकते हैं अगर रिलेशनशिप है भी बट उसमें कमिटमेंट नहीं आ रही सैजिटेरियस इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, जो अभी तक दोनों की एनर्जीज दिख रही हैं आपके और आपके पार्टनर की। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी ये जो परिस्थिति भी है, शायद से आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी में स्टक अप हैं, कन्फ्यूज हैं, उनकी भी लाइफ में वो रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी ना जैसे वो फंसे पड़े हैं, वो खुद भी वहाँ से नहीं निकल सकते और वहाँ से निकल के फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स अ वेरी लाइक मैं कह सकती हूँ, फिर भी दोनों के पास अटैचमेंट एक फीलिंग्स हैं, बट जिसे हम कहते हैं ना सोसाइटी में उस रिश्ते को सब लोग एक्सेप्ट कर सके, कमिटमेंट दे सके, वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है या स्टक हैं, या वो कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं, या अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से कहीं ना कहीं स्लो प्रोसेस तो दिखती है। बात करें करंट सिचुएशन की, सारी चीज़ें कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के तौर पे या दोनों पार्टीज़ के यहाँ पे क्या करंटली सिचुएशन है अभी अक्टूबर में, सो दैट इज़ दी हमारा जो कार्ड है, दैट इज़ दी कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ हैं ये स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, बॉन्ड्स के कार्ड भी हम इसे कहते हैं, लेकिन जो एनर्जी मैं कहूँगी वो ऐसी है कि जैसे हम कहते हैं ना हम एक जो बोट पे सवार होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन में जा रहे होते हैं, हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो रही होती है। जनरली जब भी ऐसे कार्ड आते हैं जहाँ पर एक पर्सन एक कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी बहुत उथल पुथल है, आगे जाते जाते दूर तक किनारे तक कहीं ना कहीं वो वाटर स्लो होता है, इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में परिस्थिति है, सिचुएशन है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। इतनी जल्दी रिकवरी इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर के पहले एक दो हफ्ते में मैं नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनबन भी चल रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई पड़ी है। जब भी हम ऐसे कार्ड्स देखते हैं जहाँ पे मटेरियलिज्म का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग के कार्ड्स हैं, ये सारे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डीप एंड गहरे फैसले चल रहे हैं जहाँ पे आपको वो डिसीजन लेने हैं। करंट सिचुएशन के तौर पे मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि देर इज़ अ रोमांस गोइंग ऑन, रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, कनेक्शन अच्छे चल रहे हैं, मुझे कहना ही होगा कि अभी करंटली भी सिचुएशन में कहीं ना कहीं फाइट्स, अनबन, झगड़े, सैजिटेरियस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। अगर ये बड़े तौर पे नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कम हुआ पड़ा है जहाँ पे आपको लगता है कि शायद कुछ रुकावट आ गई, शायद किसी बात का डिस्कशन चल रहा है जिसकी वजह से दूरियां हैं। सो दिस ओपिनियन क्लैश हो रहे हैं, ओपिनियन क्लैश होते हुए दिख रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में कहीं ना कहीं जो करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है, आई थिंक इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर भी सेम एनर्जीज हैं। आउटकम कार्ड, ये जो भी आपकी ना लाइफ में परिस्थिति चल रही है इस पर मैं कह सकती हूँ कि ऑल ओवर इन दिस सिचुएशन मैं कह सकती हूँ कि आप स्टेबल रहें, पॉजिटिव रहें, जो सिचुएशन आनी है वो आप जो डिसाइड करेंगे कहीं ना कहीं उसके बाद में एक अच्छा आउटकम निकलने के चांसेस है, बिकॉज जो आपका आउटकम कार्ड आया है दैट इज़ दी टेन ऑफ कप्स, ये एक शुभ कार्ड का सिंबलिज्म है। बट इसमें मैं कहूँगी कि जिस बात को लेकर अभी अनबन हुई है, जिस भी बात को लेकर एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे आपके पार्टनर, जो भी परिस्थिति है इसमें आप इस मंथ के कहीं ना कहीं मैं कहूँगी इस सिचुएशन के जो भी एंड होता है, जो भी मैं ये नहीं कह सकती कि इस मंथ एंड में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट ये मंथ एंड के आसपास आते हैं आप थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी देख सकते हो, ऑन 10% के लेवल पे एक पॉजिटिविटी के आप होप कर सकते हो कि शायद आपको कुछ जो आप चाहते हो कोई सुलह हो जाए, कोई पॉजिटिविटी हो जाए। बट उससे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी कि जो भी अभी सिचुएशन है, जो भी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें, बहुत चेंजेस के कार्ड्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेरा ये कहना होगा कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, आपको लगेगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ये जो चेंजेस के कार्ड है ना आपके, ये सारे जो आ रहे हैं
कहीं ना कहीं ये सारी, ये कहीं ना कहीं एट द एंड आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में चेंज एंड पॉजिटिविटी ज़रूर लेके आएंगे. तो भरोसा रखें, अगर आपके नज़रिए में ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो पाता है या नहीं हो पाता है, या अक्टूबर में चीज़ें कैसे, मेरे हिसाब से चीज़ें ग्रेजुअली इंप्रूव होंगी. मैं अक्टूबर में उतने बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं कह सकती हूँ, बट अगेन देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी इन द एंड ऑफ दिस मंथ की कुछ इम्प्रूवमेंट दिख सकती है ऑल ओवर. तो ये एनर्जीज दिखनी, साथ ही साथ जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी है सजेस्ट एट द एंड, आई विल ट्राई टू कंक्लूड दिस, बट आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड भी है दैट इज़ द सरेंडर टू जॉय. ये कार्ड का एक्चुअली यहाँ पे जो मैसेज लिखा, अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय इन एंड सेवर इट. कहीं ना कहीं जब भी कार्ड आते हैं कि सरेंडर टू जॉय, आई थिंक जो आपकी सिचुएशन है, आप इतने परेशान हैं कि अपनी लाइफ में वो फैसले लेने के लिए कि आप कन्फ्यूज हैं, आपको पता नहीं कि आप किस लाइफ पाथ पे जाओ, एंड आप वही सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे और परेशान भी हैं. तो इस सिचुएशन में आपको कहा जा रहा है कि मे बी आपके 100% एफर्ट के बाद भी शायद आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड लाइफ में अभी बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, फाइट्स भी हैं, अनबन भी हो रही हैं आपके पार्टनर के साथ में, बहुत सारे थिंग्स ऐसी हैं जो शायद ही आपके, बिकॉज ये परिस्थिति जो होती है, जो लाइफ आपके लोग आपके कंट्रोल में नहीं होते, लोगों से फाइट चल रही होती है, आपकी पार्टनर आपके नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ना कमिटमेंट दे पा रहे हैं, आप भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशन में आपके कंट्रोल में नहीं होती. स्पेशली चलो आपकी मूड स्विंग्स कंट्रोल में है, ये तो परिस्थिति आपके कंट्रोल में एक्चुअली नहीं हो पाती है. आप कैसे किसी और पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं? सो इन्हीं सिचुएशन में हम कहते हैं कि ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस, खुश रहने की कोशिश करें ये समय में, या एटलीस्ट पॉजिटिव एंड खुद को सहारा देने की कोशिश करें, बिकॉज शायद आप किसी और को ना समझाएं अपनी परिस्थिति, लेकिन खुद को समझाकर पीस एंड जॉय महसूस ज़रूर कर सकते हैं. इसीलिए शायद आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड है दैट इज़ सरेंडर टू जॉय. जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर एक फ्री माइंड से अपने आप को फ्रीडम दे रही है कि इट्स ओके. जैसे हम एक अपने माइंड से कहते हैं ना, हम सुबह उठ के पॉजिटिव एफर्मेशन सुने, कुछ भी पॉजिटिव करें कि हमारा सुबह उठते ही माइंड एक पॉजिटिविटी से भर जाए, कि हम जो भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कुछ वर्कआउट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है. सो सजेस्ट डोंट टेक सो मच ऑफ प्रेशर कि कुछ डिसाइड करना है. मुझे कहीं ना कहीं लगता है अक्टूबर एंड के आते आते कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग अपने आप हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि मुझे लगता है फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मैं ऑफकोर्स सबके लिए नहीं कह सकती बिकॉज दीज आर जनरल रीडिंग्स. बट कुछ लोगों के लिए एट द मंथ एंड में अच्छी पॉसिबिलिटी की, बिकॉज दिस इज़ अ गुड कार्ड सजिटेरियस. तो इसके सहारे मैं कह सकती हूँ कि जो भी सुलह, जो भी फैसला, जो भी अक्टूबर एंड में चेंजेस की अगर आप होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, जो भी ये चेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे, एक मुकाम पर माइंड में आपकी क्लैरिटी आ जाए, आप खुश रहने लग जाएँ, थोड़े से चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. बिकॉज कई बार क्या होता है, हर एक पर्सन का चार्ट डिफरेंट होता है, हर एक सिचुएशन डिफरेंट होती है. मैं इतनी क्लैरिटी और अश्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ कि यू नो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, बट यस एनर्जी के तौर पे मैं बता सकती हूँ कि कौन सी चीज़ आपको खुशी पॉजिटिविटी दे सकती है. तो आई कैन सी सम पॉजिटिव एनर्जी टर्निंग अराउंड अक्टूबर एंड में, कुछ दिखता है अच्छा होता हो, या ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी डिसीजन आप लोगे उसका आखिर में चीज़ आपको खुशी देगी और सुकून देगी, इतना मैं कह सकती हूँ. बिकॉज ये जब भी कार्ड आते हैं, ये डिसीजन मेकिंग के, हम कहते हैं कि ये कार्ड एक्चुअली ऐसा मान जाता है, देरी लगती है फैसला लेने में, बट कुदरती आप फैसला ही ऐसा लेते हो जो डेस्टिनी में आपके लिए लिखा होता है, और वो चीज़ आपको एंड में खुशी, हैप्पीनेस, सुकून ज़रूर देती है उसके फल. इसीलिए सारी चीज़ आपके लिए मंथ का आउटकम कार्ड कहीं ना कहीं शुभ एंड पॉजिटिव इंडिकेशन है. सम पॉजिटिव हैप्पीनेस, एक अंदर अंतर्मन की खुशी जिसे कहते हैं ना, वो दिखती है. सो ये सारी सिचुएशन सिनारियोज आपके लिए दिख रहे हैं सजिटेरियस. आई होप आपको ये रीडिंग कनेक्ट हुई है, आप समझ पाए हैं इसे. इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है. इसके अलावा अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो सो डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं. थैंक यू सो मच.